नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी भोजपुरी पे। आज के वीडियो में देखेंगे कि हम एक्सेल में परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं और किसी का भी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल में। तो ये हमारे एक्सेल टिप्स का सेकेंड वीडियो है, और यदि आपको ऐसा वीडियोज़ पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहें। तो चलो मैं अपना एक्सेल ओपन करता हूँ। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज है, यहाँ पे फर्स्ट में प्रोडक्ट का नेम है और सेकेंड मैंने एक प्राइस डाल के रखा हुआ है सबका। अब मान लो मेरे को इंक्रीज करना है, 20% इंक्रीज करना है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में। तो इसका दो मेथड है, मैं दोनों मेथड वन बाय वन समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यदि आपको प्राइस मतलब इंक्रीज वाला देखते हैं, तो यहाँ पे आप उस सेल में क्लिक करो और सबसे पहले इक्वल टू का साइन दबाओ। इक्वल टू डालने के बाद आप प्राइस वाला जो सेल है उसको सेलेक्ट कर लो। सो प्राइस वाला सेल सेलेक्ट हो गया, इनटू कर दो, आप मल्टीपल का सिंबल डाल दो और देखो यहाँ पे 20% इंक्रीज कर रहे हैं ना। तो 20% इंक्रीज मतलब होता है 100% प्राइस हो गया प्लस 20, 120। तो 120 या तो आप परसेंटेज डाल दो या डिवाइडेड बाय 100 कर दो। मान मैं दोनों दिखा देता हूँ, डिवाइडेड बाय 100 करता हूँ और इंटर पे क्लिक कर दो। तो ये देखो आपका ये प्राइस आ गया 144। तो बट ये अब मैं परसेंटेज देख करके दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू दबाता हूँ, अपना प्राइस सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, मल्टीपल का सिंबल देता हूँ, उसके बाद 120 एंड परसेंटेज का सिंबल दे देता हूँ और इंटर कर दिया। तो देखो 144 आ गया। तो इस तरह से मैं प्राइस इंक्रीज कर लिया, ये था मेथड वन। अब मान लो इसको सारे सारे ब्लॉक में करना है तो इसको ड्रॉप डाउन करके दो, हो गया। तो ये सारे 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 का प्राइस कैलकुलेट हो गई इंक्रीज का। तो ये तो हो गया मेथड नंबर वन। अब आपको मैं मेथड नंबर टू दिखाता हूँ। मैं सारे को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, डिलीट हो गई। अब मैं फिर से आता हूँ जिस सेल में आपको, इस सेल पे आता हूँ, इक्वल टू का साइन दे रहा हूँ, प्राइस वाला सेल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और उसके बाद आप प्लस का साइन दे दो, मतलब ये ओरिजिनल प्राइस हो गया और जितना मेरे को इंक्रीज करना। और फिर से मैं अपना प्राइस वाला सेल को सेलेक्ट करता हूँ, इनटू का साइन दो, इनटू का साइन देने के बाद 20% इंक्रीज करना है तो 20% डाल दो और इंटर। तो हो गया सेम सेम रिजल्ट आया 144। तो और आपको सारे चीज़ों में सारे सेल में करना है तो इसे सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन कर दो। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी चीज़ का प्राइस इंक्रीज होने पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपको यहाँ से पता चल गया। अब हम डिक्रीज पे देखते हैं। तो डिक्रीज पे भी सेम दो फॉर्मूला है, जैसे हमने फर्स्ट में किया था वैसे ही दोनों फॉर्मूला कर सकते हैं। तो मैं बारी बारी से दिखा दे रहा हूँ। तो सिंपल आपको इक्वल टू दबाना है, इक्वल टू दबाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है प्राइस, ओरिजिनल प्राइस जो है। आफ्टर दैट आप मल्टीपल दबा दो, मल्टीपल का साइन दे दिया। अब देखो ये डिक्रीज हो रही है, तो 100 में से 100, 100 में से 20 कम कर देंगे तो 100 में से 20 कम करने से कितना हो गया, 80, 80 और परसेंटेज डाल दो और इंटर कर दो। तो देखो ये हो गया 96। तो इस हिसाब से आपको प्राइस निकल गई डिक्रीज होने पे। अब बाकी चीज सेल के लिए भी करना है आपको, सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन कर दो। तो इस तरह से आपने प्राइस डिक्रीज का वन मेथड देख लिए। अब मैं सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब मैं मेथड नंबर टू फिर इसके लिए दिखा दे रहा हूँ, इक्वल टू साइन दबाओ, अब प्राइस सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे कम हो रहा है तो इसीलिए माइनस का साइन डालेंगे। फिर से प्राइस सेलेक्ट कर लिए और कितना मल्टीपल का साइन दे दो और डिक्रीज करना कितना है, 20% कर दो और इंटर दबा दो, हो गई 96 आ गए, सेम रिजल्ट है। तो दोनों मेथड वर्क कर रहे हैं। अब बाकी के लिए करना है तो इसे सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन कर दो। तो इस तरह से आप एक्सेल में परसेंटेज निकाल सकते हो और प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो विथ एक्सेल फॉर्मूला। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव एक्सेल रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।